आलिया भट्ट, यू आर वॉचिंग एक्सपोज इंडिया, कीप वॉचिंग। शिक्षक तो हैं, लेकिन शिक्षा नहीं मिलती। हैंड पंप तो है मगर पानी नहीं निकलता। गंदगी के अंबार से स्कूल बन गया कूड़ा घर। पीएम के शौचालय महज कागजों तक सीमित। यहाँ सोच है वहाँ शौचालय है, यहाँ नहीं जानते क्योंकि यहाँ ना सोच है ना शौचालय। हर माता पिता का सपना होता है कि वो अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में दाखिला दिलवाएं जहाँ उसे अच्छे शिक्षक और बेहतर शिक्षा मिल सके। जो माता पिता महंगे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, उनके बच्चों का बचपन सवारने के लिए सरकार ने प्राथमिक स्कूल खुलवा दिए। ये सोचकर कि यहाँ बच्चों को पैसे के अभाव में भी बेहतर शिक्षा मिल सके। ये सोचकर कि आने वाले कल में हो सकता है यहीं से कोई कलाम या कल्पना चावला मिल जाए। शिक्षा के साथ ही रोजगार का भी एक स्रोत होता है विद्यालय। लेकिन लखनऊ में स्थित एक प्राथमिक विद्यालय को देखकर तो होश ही उड़ गए। यह है दर्शनपुर का प्राथमिक विद्यालय। चलिए पहले जरा सुन लेते हैं यहाँ के लोगों से इस प्राथमिक विद्यालय के प्रति नाराजगी। सरकारी कर्मचारी, सरकारी अफसर वगैरह सबके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें, तब जाके विकास होगा, अन्यथा कोई भी सरकार आए ऐसा ही होगा। बच्चों को खाना समय से नहीं मिलता, घूमा करते हैं और न पढ़ते हैं न लिखते हैं, यहाँ पर बस यही होता है। शिक्षा व्यवस्था एकदम गड़बड़ चल रही है, यहाँ कोई देखने नहीं आता, खाना भी टाइम से नहीं आ रहा इनके बच्चों का। सफाई के बारे में आप क्या? सफाई यहाँ होती ना, सब कूड़ा कबाड़ा आपके सामने ही पड़ा, देख ही लीजिए। वहीं बच्चों ने भी अपनी अलग कहानी बयां की। आइए सुनते हैं कि बच्चों का क्या कहना है। नल बहुत दिन से, 6 महीने से खराब है। शौचालय उचालय कहाँ जाते हैं? बाहर। पानी है? हाँ। कितने दिन से पानी नहीं है? 6 महीने से। तो आप जब लेटरिंग जाते हैं तो क्या करते हैं? मैम जी छुट्टी दे देती हैं। यहाँ ना तो पीने के पानी की व्यवस्था है और ना ही शौचालय। शौच के लिए कहने पर यहाँ बच्चों को छुट्टी दे दी जाती है। पानी हमारे यहाँ 6 महीने से नहीं है। हमने सभी जल संस्थान में, पार्षद में, ऑफिस में सब जगह एप्लीकेशन भेज दी है। बाकी अगर बच्चों को लैट्रिन लगती है तो हमें उन्हें छुट्टी देनी पड़ती है मजबूरी में। हैरानी तब हुई जब डीएम से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने ऐसी किसी भी जानकारी के होने से ही इनकार कर दिया। लेकिन शायद नई नई सरकार का डर मन में था, इसलिए तुरंत कार्रवाई करने की बात जरूर कही। अच्छा, जिलाधिकारी महोदय ही बोल रहे हैं क्या? मैं डीएम बोल रहा हूँ, बता। जी जी जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। सर सर, मुझे एक प्राइमरी विद्यालय है बहादुरपुर में, उसमें सर पिछले 6 महीनों से ना तो पानी की व्यवस्था है और ना ही सर लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है। और बच्चों को सर जब लैट्रिन बाथरूम लगती है तो उनको छुट्टी दे दी जाती है। और वहाँ के टीचर का कहना है सर, और 12 बजे मैं अभी जब उनको मतलब चेक वो करने के लिए अपना खबर बनाने के लिए पहुँचा तो बाहर से सर गेट पे ताला लगा हुआ था, अंदर मैडम लोग बैठ के बातें कर रही थी, बच्चे सब बाहर खेल रहे थे। और वहाँ सर इतना कूड़े की अंबार है, इतना कूड़े की अंबार है कि वहाँ के पब्लिक का। कहाँ पर है ये? सर बहादुरपुर पड़ता है आपका, गुडम्बा थाना के अंतर्गत यूनिटी सिटी चौराहे के पास। हेलो। अच्छा, मैं उसे अभी कहता हूँ अपने ये एक मिनट रुको है। जी मैं लाइन पर हूँ सर। द नंबर यू आर कॉलिंग हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन लाइन। नगर आयुक्त के नीचे जो होते हैं नंदलाल, नंदलाल उनको कह दिया है। हाँ। उनको कह दिया है जी, उनको तुरंत दिखवा रहे हैं। ठीक है जी सर। वहीं यहाँ के पार्षद से बात करने पर उन्होंने सारा ठीकरा शिक्षिकाओं पर फोड़ दिया। सफाई, पानी और लाइट की व्यवस्था के लिए पार्षद भी अपनी कहानी कहते नजर आए। कनेक्शन करा दिया था कि बच्चों को पानी मिलने लगे। ये जिम्मेदारी स्कूल के शिक्षकों की भी बनती है कि कम से कम उसकी टोटी मेंटेन रखें। साफ सफाई के लिए जब मुझसे कहा जाता है मैं तुरंत आदमी भेज के साफ सफाई करा देता हूँ। अगर वो जो चीज कह रही है कि यहाँ कोई नहीं आता है तो ये उनकी अपनी गलती है। आइए अब जरा बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी सुन लेते हैं। इनके पास ना तो कोई शिकायत पहुंची और ना ही इन्हें इस स्कूल की समस्या के बारे में कोई जानकारी है। अच्छा, ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया था, अभी आप द्वारा लाया गया है तो इस पर हम जांच करा लेते हैं और जो भी संभव होगा उसको जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि गर्मी का महीना आ रहा है, इससे दिक्कतें होंगी जो हम लोग उसको जल्दी से जल्दी सुधार लें।
स्कूल में चारों तरफ फैली गंदगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता मिशन को मुंह चिढ़ा रही है। फिलहाल देखना ये है कि इन बच्चों की किस्मत योगी सरकार में बदल पाएगी या इनका बचपन और इनके माता पिता की उम्मीदें दम तोड़ती नजर आएंगी। प्रवीण कुमार पांडे, एक्सपोज इंडिया, लखनऊ। Hi, this is Vidya Balan and you're watching Expose India.